ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने के लिए स्टार्टअप में ये होता है कि इनिशियल स्टेजेस में कि उसको कुछ चीज़ें याद की जाती हैं। तो जो चीज़ें आपने याद रखनी है उनमें सबसे पहले ये है कि जब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जब हम साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ हम कॉस एक्स लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। इसी तरीके से जब हम डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। इस तरह के जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, तो उसमें एंगल्स का हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। देखिए, जब हम डेरिवेटिव साइन एक्स कर लेते हैं तो साइन का डेरिवेटिव आता है हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है। और जब हम कॉस एक्स का लेते हैं तो वो आता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, ठीक है। और जब हम टेन एक्स का लेते हैं तो वो हमारे पास आता है सेकेंट स्केयर एक्स, क्लियर। तो ये फंक्शंस हो गए मेजर फंक्शन, और फिर उसके बाद तीन फंक्शन और हैं जो कि इनके इन्वर्सेज हैं। तो इन्वर्सेज फंक्शंस कौन से हैं? इन्वर्सेज फंक्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है जब हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, सॉरी कॉट एक्स। ये तीन फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव भी हम सीकेंट को लेते हैं तो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। हम सीकेंट का लेते हैं तो इसका हमारे पास आता है सीकेंट एक्स एंड टेन एक्स, और उसके बाद कॉट का आता है माइनस को सीकेंट एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उनका डेरिवेटिव हम इस तरह से लेते हैं। देखें, अगर हमें दो फंक्शन दिए जाए, इससे पहली वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक रूल जो है वो एज इट इज़ हम जो है वो यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें होना ये है कि इस क्वेश्चन में जब इस तरह के आपको दिए जाएं इसमें इनके एंगल्स का डेरिवेटिव लाजमी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन 5x का, ठीक है। ये मैं अब आपके एग्जाम्पल दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी सब पे एक ही अप्लाई हो। पहले जब आप साइन कर लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 5x में, लेकिन बात अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मजीद जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 5x। तो जब हम लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कॉस 5x एंड 5। आइए मेरी बात समझ, यानी कि इसका रिजल्ट ये होगा 5 एंड कॉस 5x, ये रिजल्ट है इसका जब आप साइन 5x का डेरिवेटिव लेते हैं। मेरे कहने का पर्पस ये था कि जब हम अलजेब्रिक फंक्शंस का जब हम लेते हैं डेरिवेटिव तो उसमें हम डायरेक्ट उसका ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डी ओवर डी एक्स ऑफ 100, ये मैं कर लेता हूँ एक्स प्लस 1 होल क्यूब। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल लगाते हैं, पावर रूल लगाते हुए 3 पीछे आ जाता है और अंदर हमारे पास एक्स प्लस 1 स्केयर हो जाता है एंड डी ओवर डी एक्स, एक जो हमने निकाला है एक्स प्लस 1 यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से 3x+1 होल स्केयर इसका आंसर होता है। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं उसमें ये होता है कि हम उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ मजीद एक, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डी ओवर डी एक्स मैं लेता हूँ कोसिकेंट 5x। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वर्ट होगा जो मैंने आपको बताया माइनस कोसिकेंट 5x एंड कॉट 5x, लेकिन आपको मैंने फिर बताया था इसके एंगल का डेरिवेटिव अलग से हम लेंगे। तो जब एंगल का हम लेते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ 5x, तो ये आ गया यहाँ से माइनस कोसेकेंट 5x एंड कॉट 5x, और यहाँ पे 5 आ गया। 5x का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट पीछे आ जाता है और उसके बाद x का डेरिवेटिव हमारे पास 5 आ जाता है, तो ये अब हमारे पास रिजल्ट है।
तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जब हम उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या चेंजिंग लेके आते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, और इसी तरीके से हम जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, उसमें क्या क्या चेंजिंग